मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पीसी बेनीवाल पर। दोस्तों आज मैं बीएड वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ, लेकिन खुशखबरी से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दे दूँ। जी हाँ, आज हम आपके अपने YouTube चैनल पीसी बेनीवाल पर शाम को 8 बजे 23 जुलाई को शाम 8 बजे लाइव आने वाले हैं। इस लाइव में आपके इंटर्नशिप से जुड़े हुए विभिन्न सवालों का हम आपको जवाब देंगे। क्या इंटर्नशिप कम होगी, क्या कैसे इंटर्नशिप पूरी होगी, स्कूल चेंज करवाना है, कैसे होगा, सारी की सारी प्रोसेस का जवाब आपको शाम को लाइव मिलेगा। याद रखिएगा, लाइव में जुड़ना ज़रूरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव के दौरान ही आपको आपके सवालों के जवाब मिल पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं खुशखबरी की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है, BSTC के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को उस शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने वादा किया था कि उन्हें रीट भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी भी अब पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी बीएड इंटरग्रेटेड और द्विवर्षीय पाठ्यक्रम बीएड के लिए भी घोषणा कर दी है कि उन्हें रीट भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाएगा। वे निश्चित तौर पर अपनी तैयारी जारी रखें। इन्होंने लिखा कि बीएड अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों को रीट परीक्षा में योग्य माना जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि बीएड इंटरग्रेटेड कोर्स के विद्यार्थियों को रीट परीक्षा में भाग लेने के संबंध में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ने इंटर्नशिप के निर्देश जारी किए हैं, इसका टाइम टेबल भी जारी किया है। तो अब इसमें देखना रहेगा कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे एक बात तो स्पष्ट है कि बीएड हो या BSTC हो, सभी के लिए सरकार ने दुविधा की स्थिति उत्पन्न कर दी है। एक तरफ तो वादा कर रहे हैं कि इनको परीक्षा में शामिल किया जाएगा, दूसरी तरफ इंटर्नशिप कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में जो बीएड और BSTC के सभी छात्र हैं वो क्या करें, अपनी इंटर्नशिप 96 दिन की पूरी करें, अपनी फाइलों को बनाएं, या फिर इसके अलावा रीट की तैयारी करें, या फिर अंतिम वर्ष के जो पाठ्यक्रम है उसकी परीक्षाएं भी होने वाली है उसकी तैयारी करें। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, वादों पे वादे किए जा रहे हैं। चलिए देखना होगा कि क्या बनता है। लेकिन आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, तैयारी में जुटे रहिए। आपके लिए जल्द ही एक और सुखद सूचना लेकर के आएंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जल्द ही आपकी इंटर्नशिप भी कम होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, इंटर्नशिप कम करवाने की पूरी कोशिश जारी है, और जैसे ही इसके संबंध में कोई आदेश जारी हो जाएगा सबसे पहले हाजिर हो जाऊँगा आपके बीच में लेकर के। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।